हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स एंड टुडे आई हैव विद मी खतरों के खिलाड़ी 13 कंटेस्टेंट्स सिजान खान. सिजान, वेलकम टू ई टाइम्स. थैंक यू सो मच. एक ही चीज अपने आप को कांस्टेंट याद दिलाई मैंने. मैंने कहा देखो, लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू हैव सीन वर्स्ट, सो दिस व्हाटएवर इज हैपनिंग यू शुड बी ग्रेटफुल टू. I think I'm back. That feeling, and now that I have the title that I'm a khatron ka khiladi, I was like, yes, I'm back. Cape Town में तो मुलाकात हो चुकी है और वहाँ पे हमने देखा भी आपको खतरों का सामना करते हुए सामने से. आपने तो first hand first hand. लेकिन overall अगर आपकी journey की बात करें, how you know कह सकते हैं कि आपको कितना रिलीफ महसूस हुआ है अपनी जर्नी को देखकर, अगर आप सोचते हैं उसके बारे में तो आपको क्या लगता है कि आप जो प्रेशर पहले से डाला गया था कि शिजान जा रहे हैं, फैंस के एक्सपेक्टेशंस वगैरह, कहां तक कामयाब हो पाए आप? कामयाबी ये है कि मुझे खुद को भी बहुत सारे डर थे. एज अ पर्सन मैं अपनी बात करूँ कि मुझे खुद को भी अपने ऊपर काफ़ी प्रेशर था, बट जैसे जैसे ज़िंदगी आगे वहाँ पर चली, एक स्टंट हुआ, दो स्टंट हुआ, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ किया कि यार आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट. एंड एक पॉइंट पे क्या होता है कि मैंने ना इस शो को मैंने कभी ऐसा कॉम्पिटिशन लिया ही नहीं कि मैं किसी से कम्पीट कर रहा हूँ. मेरा वहाँ पे अपना था कि मैं अपने आप से कम्पीट कर रहा हूँ. एंड एवरी स्टंट चेंजेस भी आती है. मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि हर स्टंट आपके अंदर कुछ ना कुछ बदल देता है. एंड इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, अगर आप कोई स्टंट हारते हो तो वो आपको सीख देता है कि आपने ये एक मिस्टेक है या फिर ये इस वजह से आप हारे हो, क्योंकि वो सेम चीज़ किसी और ने करी आपके सामने, तो आप ये रीज़न नहीं बोल सकते इससे आप हारे. ये चीज़ हुई, आपने ये गलती करी, इससे आप हारे. कोई स्टंट आप जीते तो उस चीज़ में आप भी, आपको ऑफकोर्स खुशी होती है, बट यू कांट लेट योर हेड गो इन द एयर. आप उस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा नहीं मना सकते क्योंकि पल भर की खुशी है वो. तो एवरी स्टंट हैज़ चेंज मी इन अ बिट. इट हैज़ गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक. पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा वो बहुत अच्छा रहा. मैंने बहुत सारी नई चीज़ें करी. पहली बार मैंने कोई रियलिटी शो किया, पहली बार मैं इंडिया के बाहर गया, पहली बार मैं रोहित सर से मिला, पहली बार मैंने उन चीज़ों का सामना किया जो मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी करूँगा या फिर कभी पॉसिबल भी होता है नॉर्मल इंसान के लिए सब करना. और जो शूटिंग पे हम स्टंट करते हैं वो होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो स्क्रिप्टेड होता है. दिस वॉज वेरी रियल, दिस इज वेरी रियल, वेरी न्यू. तो इट वॉज अ ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. घर पे आने के बाद वहाँ पे तो होमसिक फील कर रहे थे, तो आने के बाद सबसे पहले फैमिली से मिले, क्या बातें हुई? मुझे पिक्चर ने मेरी अम्मा आई, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाया मेरे आने का. फिर हम लोग घर गए, उनको मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में बताया नहीं है आज तक भी कि मैंने कितने स्टंट किए हैं, क्या किया, स्टंट में क्या हुआ है. नथिंग, दे नो नथिंग. आई वॉन्ट देम टू सी एंड एन्जॉय, आई वॉन्ट टू सी देयर रिएक्शन. मैं उनके रिएक्शन देख के एन्जॉय करूँगा. दैट्स गोना बी यू नो कि हाँ, आई एम एन्जॉयिंग दिस विद माय फैमिली. और घर पे आते मैंने बिरयानी खाई सबसे पहले. फूड बहुत मिस कर रहा था अपने घर का, मैं बहुत मिस कर रहा था वो खाया. फिर मैंने बाद बाहर में गई डाइट. अब तो जो खाना है आलू के पराठे, प्याज के पराठे, बस अभी तक वही चल रहा है मेरा. यू नो, जब आप शो के लिए जा रहे थे, ड्यू टू सम रीजंस, यू नो आई एम श्योर कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहा होगा शिजान. वहाँ पे जाने के बाद कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि ये चैलेंजेस पूरा करना है और सक्सेसफुली बाहर आना है? एक ही चीज़ अपने आप को कॉन्स्टेंट याद दिलाई मैंने. मैंने कहा देखो, लाइफ में कुछ भी हो जाए, यू हैव सीन वर्स्ट, सो दिस वॉट एवर इज हैपनिंग यू शुड बी ग्रेटफुल टू. एंड आई हैव, हर नमाज में मैंने इस चीज़ को खुदा का शुक्र किया है कि अगर ये एनजाइटी भी मुझे मिल रही है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड आई रियली नो वट दैट नथिंग मीन्स. तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ अपनी इस पूरी जर्नी के लिए. कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आया, बट आई एम ग्लैड कि ये शो मैंने किया. जब मैं वापस आया घर, मुझे घर वालों ने देखा, जब वो चीज़ मुझे खुद को फील हुई कि नो आई थिंक आई एम बैक, दैट फीलिंग, एंड नाउ दैट आई हैव द टाइटल दैट आई एम अ खतरों का खिलाड़ी, आई वाज लाइक यस आई एम बैक. एंड डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन टू टेक अप दिस शो? बिकॉज शायद आप कोई फिक्शन शो में चले जाते तो एक वापस कोई किरदार पकड़ लेते, बट यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे स्टंट्स किए हैं जो आई एम श्योर कि आपको डिफिकल्ट टाइम्स की याद दिलाते होंगे, और फिर भी आपने वो ओवरकम किए हैं. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्चुअली चांस जो खुदा की तरफ से आया आपके झोली में. टोटली टोटली, जैसे कि आपने कहा कि किसी अलग किरदार में चले जाते, अब उसमें क्या होता है कि फिर शिजान पीछा रह जाता, रियलिटी स्केप हो जाती. तो
आई थिंक मैंने बेस्ट डिसीजन लिया मैंने, या यूँ कहो कि खुदा की तरफ से ये बेस्ट तोहफा मुझे मिला कि मैंने ये शो किया, क्योंकि शिजान वापस आया यार, मैं बहुत मिस कर रहा था शिजान का. राइट. जितनी भी जर्नी रही, जैसी भी जर्नी रही खतरों के खिलाड़ी में, क्या लगता है क्या खोया क्या पाया, कितने अपने आप से आप अपने आप को आपने प्राउड किया है, और कितनी बार निराश हुए हैं, कितनी बार गिव अप किया, कितनी बार फिर से खड़े हुए? वो तो देखो जिंदगी का उसूल है, जब जब गिरोगे उठना पड़ेगा, दैट्स लाइफ. वो हर बार आपको गिराएगी ही गिराएगी. और बाखुदा मैं बताऊँ, खोया तो कुछ भी नहीं, पाया ही पाया, क्योंकि बहुत कुछ देखा ना, नया देखा लाइफ में, स्टंट्स किए, पूरा एक शो किया, और फिर बहुत नए लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोगों से मिला, नॉट जस्ट कंटेस्टेंट, द बैक स्टेज पीपल, क्रू एंड अमेजिंग पीपल, इतने इंस्पायरिंग लोग मुझे मिले. मैं नए नए लोगों से मिला, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत पसंद भी है नए लोगों से मिलना. तो वो सारी चीज़ें देख के ना लगा कि यार देर इज़ लाइफ, देर इज़ लाइफ, यू नीड टू एंजॉय इट, यू नीड टू बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स. यस. एंड यू ऑल्सो फील कि इस बार का जो बैच रहा है खतरों के खिलाड़ी का, सब कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग रहे हैं. लड़कियां बहुत ज़्यादा रही हैं इस बार शो में. बहुत ही कॉम्बिनेशन बहुत सही रहा है कंटेस्टेंट्स का. बहुत बहुत सही रहा है. 5 ही लड़के थे, बाकी सब लड़कियां थी. और मैंने जैसे हर बार बोला कि पूरा का पूरा क्रू, आई थिंक मैंने आपको वहाँ भी कहा था, इतने ढीठ किस्म के लोग हैं ये गिव अप ही नहीं करते हैं. ये कभी भी शॉक कर जाते हैं आपको, ये कभी भी एक्सेल कर जाएंगे स्टंट में. हमें लगेगा शायद यार ये वाला स्टंट इससे तो नहीं होगा, सरप्राइज. तो ये चीज़ इतनी इंस्पायरिंग थी टू सी इन एवरी वन. तो बहुत एक पॉजिटिव वाइब के साथ हमने काम किया. कॉम्पिटिशन कभी डर्टी नहीं हुआ, इट वॉज ऑलवेज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. स्टंट हो गया, शूट हो गया, उसके बाद में बैक टू नॉर्मल, chilling with each other, regardless के क्या हुआ है सुबह, everyone used to forget it, and that's the best part about it. और शिजान ये भी कह सकते हैं कि जो बैच भी इस बार या contestants, जैसे आपने कहा कि बहुत healthy atmosphere था, बहुत अच्छे contestant भी थे, और industry ने जिसने जितने warmly आपको welcome किया है, you know, on work, वो कहेंगे कि वो भी एक motivation factor रहा है to do the show, because you know आपका surrounding कैसा है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. हाँ, एक्चुअली फैक्ट, पहली बात तो ये कि बाखुदा मैंने नहीं सोचा था कि क्या होगा कैसे होगा. तो फ्यूचर प्लानिंग करनी मैंने छोड़ दिया, क्लीन स्लेट की तरह. क्लीन स्लेट की तरह, एग्जैक्टली. माइंड एकदम काम एंड कंपोज मेरा माइंड रहा. ग्रेटफुल मैं हर चीज़ के लिए रहा हूँ कि अब अगर ये शो मुझे मिला था, आई एम ग्रेटफुल टू दैट. तो मेरा तब भी वही था और आज भी वही है कि सिर्फ आज पे फोकस करो, आज में जियो, आज को अपना 100% देखे आओ. कल का सोच के मतलब नहीं है. इनफैक्ट आपको उसका एंड रिजल्ट भी सोच के यू कांट हैंडल इट. राइट. आपको वो आपके हाथ में है ही नहीं. अल्टीमेटली होना हुआ है जो खुदा की रजा है. True. आप अपना 100% तो देखे आओ. Absolutely. तो मैंने उतना ही किया. तो आई थिंक बेस्ट पार्ट ये रहा कि कभी कभी आप बहुत सारी चीजें सोचने के चक्कर में चीजें खराब कर देते हैं. बिल्कुल. एक चीज रखो कि आपको 100% देना है, बस आगे बढ़ते रहो. मैं जब वहाँ से यहाँ आई, मैंने फलक से बात की, एंड वो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे से सुन के कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे. और अभी भी जब हम देखते रहते तो वो याद करती रहती हैं, अच्छा आज 6 तारीख है, वो वापस आने वाला होगा, आज वो लोग वापस आने वाले होंगे. अब जब आप उनको रियलिटी शो में देख रहे हैं, वो भी वहाँ पे लड़ रही हैं, इतने लोगों के साथ रह रही हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ अ ग्रेट फाइटर. इनफैक्ट उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी अभी तक. तो मैं उनको अपनी पूरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ. तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वापस आ, मैं उनको दिखाऊँ, उनका आप ही ये देखो, क्योंकि मैंने अभी भी घर पे जैसे बताया किसी को मैंने बताया नहीं है क्या किया है मैंने. आई वांट टू सी देयर रिएक्शन. तो आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट, आई रियली मिस हर. तो शी इज गोना कम बैक सून एंड वी गोना वॉच द शो. उनको मैं वापस से बैठ के दिखाऊंगा कि देखो. राइट. हाँ, एनी मैसेज टू फैंस जो देखने वाले हैं शो? सिंगल मैसेज मैं देना चाहूँगा कि भाई all of you have been a backbone to me, towards my family, and you have been with me through my thick and thin, and I have been blessed truly. ye kehne ke liye nahi, sach mein bakhuda har namaz mein maine shukr guzar raha hu main is pyar ka, is mohabbat ka jo aap logo ne mujhe diya hai. and as promised main wapas aa raha hu, aur bahut achhi cheez ke sath wapas aa raha hu, and I'm sure I'm going to make you proud, all of you, and I really want this mohabbat ki mujhe life long milti rahe. so uske liye main दुआ करता रहूँगा और आप लोग मेरे दुआ करते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शिजान हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करते हैं आप जो भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में चूज करें उसमें आप सक्सेस ही पाएं. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग.